इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस और यह टॉपिक, दिस टॉपिक इज टू इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज इंटेलिजेंस, बट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू टोल्ड यू इंटेलिजेंस इज अ एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी, एक सामूहिक क्षमता है बुद्धि। और ये डेविड बेसलर ने कहा है, सबसे बेस्ट डिफिनेशन गिवन बाय डेविड बेसलर, वही मैं बता रहा हूं आपको। इंटेलिजेंस इज ए एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रेशनली एंड टू डील इफेक्टिवली, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। इस स्टेटमेंट में जो डेविड वेस्लर ने कहा कि बुद्धि एक सामूहिक क्षमता है जिसमें व्यक्ति उद्देश्य के अनुसार कार्य करता है और विवेक पूर्ण चिंतन करता है, और तीसरी बात वातावरण के साथ प्रभावशाली एडजस्ट करता है। तो हम लोग देखते हैं अभी को कौन कौन सारे एस्पेक्ट्स हैं। देर आर थ्री एस्पेक्ट्स, हमने कहा इंटेलिजेंस, इसका मैंने कहा कि थ्री एस्पेक्ट्स। अब ये थ्री क्या है? पहला हम लोग देखते हैं, यह है फंक्शनल, ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, एंड थर्ड वन ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स। ये हो गया क्रियात्मक, और ये क्या हो गया संरचनात्मक, और ये क्या हुआ, ये हुआ कार्यात्मक। ये कार्यात्मक और क्रियात्मक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये फंक्शनल एस्पेक्ट्स में इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहा गया, और मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शनल एस्पेक्ट में कहा कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के क्या कार्य हैं, कहने का मतलब व्हाट इज इंटेलिजेंस, व्हाट इज इंटेलिजेंस, क्या कि बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है। तो ये जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स है, इसके लिए हमने वीडियो ऑलरेडी आपको बना दिया है, आप इसको देखिएगा, जहां पे लिखा होगा मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस एंड गिवन बाय डिफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, वो हमने बना दिया है। तो चलिए, हमने क्या कहा कि फंक्शनल एस्पेक्ट्स में हम लोग देखेंगे कि बुद्धि क्या है, बुद्धि किसे कहते हैं, और अभी हमने बताया भी कि बुद्धि किसे कहते हैं। हमने क्या कहा कि जो उद्देश्यपूर्ण कार्य करता हो, उद्देश्यपूर्ण कार्य करता हो, विवेकपूर्ण चिंतन और वातावरण के साथ प्रभावशाली समायोजन। चलिए मैं बता देता हूं आपको, ऐसे तो मैं बता चुका हूं इसको, समायोजन। तो ये आपके जो है ऑलरेडी जो है ये वीडियो बनाया जा चुका है, आप इसको देखिएगा। चलिए, अब ये हमारा, हमने कहा कि कार्यात्मक पहलू में बुद्धि क्या है, ये स्टडी करते हैं जो हमने बना दिया है। अब स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट जो हमारा संरचनात्मक, ये क्या है, ये हमारा है, इसमें जो वी विल स्टडी अबाउट, डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस।
बुद्धि की संरचना, बुद्धि की संरचना, ध्यान समझिए इसको, संरचनात्मक पहलू में जो हम अध्ययन करेंगे कि बुद्धि की संरचना क्या है, मतलब यहां पे हम ध्यान देंगे, यहां पे पढ़ेंगे हम लोग इंटेलिजेंस थियरी, इंटेलिजेंस थियरी, क्या कहा मैंने, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत, और ये सीटेट में यही पूछता है ज्यादा, इसलिए हम लोग इसी पहलू को जस्ट अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन देख लेते हैं तीनों होता क्या है, ये और ये ज्यादा पूछता है, ऐसे पूछता है ये भी है, लेकिन ये ज्यादा मैक्सिमम जो है ऐसे सवाल इससे रहते हैं। तो हमने कहा कि संरचनात्मक जो बुद्धि का पहलू है, जिसमें हम बुद्धि की संरचना में क्या देखेंगे कि बुद्धि के सिद्धांत विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो दिया गया है वो क्या है। दूसरी यहां पे फैक्टर अफेक्टिंग्स, फैक्टर अफेक्टिंग्स अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सारे फैक्टर्स कारक बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो हमने क्या कहा कि बुद्धि के जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स है, जो सीटेट में ज्यादा पूछता है इससे सवाल, जिसमें बुद्धि के सिद्धांत जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बुद्धि के सिद्धांत। और दूसरा हमने कहा कि बुद्धि के कौन कौन सारे कारक प्रभावित करते हैं वो देखेंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं, पढ़ो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स है, क्रियात्मक, यहां पे इंटेलिजेंस के बारे में क्या पढ़ना है, यहां पे मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की बात करना है, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की मापन, बुद्धि की राइटिंग थोड़ा मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन चलिए क्या कहा मैंने, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स में जो हम बात करेंगे कि बुद्धि का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो बुद्धि को मापने के लिए जो हमने टूल्स और टेक्निक, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि बुद्धि कैसे मापा जाता है, तो टूल्स एंड टेक्निक, इसका भी वीडियो हमने बना दिया है आपको, ये बना हुआ है। अब दूसरी जो बात है टेस्ट की बात, परीक्षण, तो हमने कहा कि ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स में बुद्धि की मापन में बात करेंगे कि टूल्स और टेक्निक की, तो इसके वीडियो बना हुआ है, ये टेस्ट इसका भी हमने बता दिया है, वीडियो बनाया है, आप ध्यान से देखिएगा, उसका हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, क्या होगा इसका हेडिंग जो आप देखेंगे, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो हमने कहा कि ये वीडियो आपका क्लियर है, बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कि व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स में जो अभी हम अध्ययन करने वाले हैं, इंटेलिजेंस थ्योरी, इंटेलिजेंस थ्योरी, इंटेलिजेंस थ्योरी, तो ये किस एस्पेक्ट्स में आता है, ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में आता है, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत। हाँ, तो यही मैंने कहा कि सीटेट से ज्यादा सवाल आते हैं। तो चलिए इस बुद्धि के सिद्धांत में जो कहा गया कि ये इट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, तो बुद्धि के सिद्धांत में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया, तो जो बहुत अंशियंट टाइम में जो दिया गया था, सबसे पहले आपको हमने बताया होगा आपको कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की खोज किया गया था 1905 में, किनके द्वारा, अल्फ्रेड बीने के द्वारा, अल्फ्रेड बीने के द्वारा, तो ये उसी समय अल्फ्रेड बीने जब ने बुद्धि का परीक्षण खोज किया, तो ये जो अभी हम आगे बताने वाले हैं वो बुद्धि परीक्षण 1905 में हुआ, तो 35 ईयर तक ये प्रचलित रहा। तो सर कहेंगे अब वो सिद्धांत क्या था, तो सिद्धांत था, देख लीजिए, नाम था यूनिफैक्टर थियरी, यूनिफैक्टर थियरी, यूनि मतलब एक, एक तत्व या कारक का सिद्धांत, है ना,
तो ये जो इनी फैक्टर है, हमने क्या कहा कि जब बुद्धि परीक्षण खोज किया था उस समय की बात है, मतलब ये एंशिएंट थियरी है, एंशिएंट प्राचीन सिद्धांत कह सकते हैं इसको, प्राचीन सिद्धांत है ना। ये जो हमारा प्राचीन सिद्धांत था, तो हमने क्या कहा कि जब ये बुद्धि परीक्षण की खोज किया गया तो ये 30 से 35 ईयर तक जो है ये फेमस रहा, है ना, 30 से 35 साल तक ये प्रचलित रहा। अब ये कहो कि सर ये यूनिफैक्टर थियरी के अनुसार बताया क्या क्या गया। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी कहा गया कि इंटेलिजेंस इज अनडिविजिबल यूनिट, क्या है कहा गया कि इंटेलिजेंस इज अनडिविजिबल यूनिट। अनडिविजिबल यूनिट मतलब जिसको ये अविभाज्य है, अविभाज्य इकाई, अविभाज्य मतलब समझ रहा हूं आप, आ मीन्स ना होता है, जिसको बांटा नहीं जा सकता है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे एक ही है ना यहां पे। तो कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो हमारा क्या है, एक ही तत्व से मिलके बना है जिसको विभाज नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इस थियरी के अनुसार कहा गया कि इसके अनुसार जो मेंटल प्रोसेस होगी, मेंटल प्रोसेस मानसिक प्रक्रिया तो यही एक तत्व के द्वारा, एक ही कारक के द्वारा ही जो है से मानसिक प्रक्रिया क्या होगा, शुरू होगा, या कह सकते हैं आरंभ कह सकते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं समाप्त भी इसी के द्वारा होता है। और सबसे बड़ी बात कि आरंभ समाप्त और नियंत्रित होती है। कहने का मतलब कि एक ही फैक्टर है, उसी के द्वारा बुद्धि चाहे शुरू होगा चाहे समाप्त होगा, या उसी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, कंट्रोल्ड बाय वन फैक्टर। तो अब बात आई कि भाई ये जो इनी फैक्टर थियरी, इतनी तो बात हो गई कि एक ही कारक है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो पूछता क्या है सीटेट में, वो इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो हम बता रहे हैं आपको कि ये जो दिया गया है किसके द्वारा, वो हम आपको लिखेंगे इसमें, इसलिए जगह मैंने छोड़ा था। इनी फैक्टर दिया गया, जो हमारा बताया मैंने कि पहली बार जो बुद्धि परीक्षण का 1905 में खोज किया गया, इन्हीं का नाम सबसे पहले आता है, अल्फ्रेड बीने। इनके साथ इनका एक दोस्त है थियोडोर साइमन, तो कहा जाता है बीने एंड साइमन। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है अस्टर्न। तो इनी फैक्टर थियरी अल्फ्रेड बीने, साइमन और अस्टर्न के द्वारा दिया गया था। इन लोगों का मानना था कि बुद्धि क्या है, एक ही कारक से मिलकर बना है जो अविभाज्य। अब दूसरी थियरी हम देखते हैं, व्हाट सेकंड थियरी जो अभी हमने कहा कि इसके पहले जो यूनिफैक्टर जो था, यूनिफैक्टर एक तो बात था ये एंशिएंट हो गया है ना, उसके बाद ये आउटडेटेड हो गया था, आउटडेटेड क्या कह सकते हैं, क्लासिकल पुराना। जैसे ही आउटडेटेड हो गया इसका मतलब दूसरा नया आ गया। दूसरा जो थ्योरी दिया गया वो दिया गया टू फैक्टर, ध्यान दीजिएगा, पहला था यूनिफैक्टर मतलब एक फैक्टर, तो उसके इस साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, नहीं ऐसा नहीं होता, एक फैक्टर नहीं, तो इसने कहा टू फैक्टर थ्योरी, द्यू तत्व या कारक का सिद्धांत, है ना। ये जो हमारा टू फैक्टर थ्योरी हुआ, तो कहिएगा सर ये टू फैक्टर है क्या, तब ये टू फैक्टर जो हमारा है ये देखिए क्या है। पहला है जी फैक्टर, है ना, जी फैक्टर, ये छोटा जी भी लिखा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दूसरा है एस फैक्टर, ठीक, ये जी से है जनरल,
जनरल सामान्य, ओके ना, सामान्य, और ये है हमारा एस फॉर स्पेसिफिक, ध्यान दीजिएगा इसको, ये है इसका हिंदी विशिष्ट, ठीक है। तो अब यहां पे आप देख रहे हो कि सर इतना जगह आपने क्यों खाली छोड़ा है, टू फैक्टर थियरी में क्या हुआ, टू फैक्टर, एक जी है और एक एस है, एबीसीटेट में इससे भी पूछता है, तो जी फैक्टर आपको ध्यान देना, मैंने कहा कि समान योग्यता है, ये समान योग्यता है, और एसपी, हाँ बता ही देते हैं, नाम याद आ ही गया, ये टू फैक्टर जो थियरी दिया गया, ये दिया गया है चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया, चार्ल्स स्पीयरमैन, SPEAR स्पीयरमैन, तो जो स्पीयरमैन ये साहब ने जी फैक्टर में कहा कि ये क्या होता है, इनेट होता है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछेगा इनेट, जन्मजात होता है, जन्मजात होता है, कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो फैक्टर क्या होता है, जन्मजात होता है, हेरिडिटी, अनुवांशिक से ही प्रभावित होते रहता है, है ना। तो इसमें स्पीयरमैन ने कहा कि सारे लोगों में जी होता है, क्या कहा मैंने, सभी व्यक्तियों में जो मानसिक प्रक्रिया हम लोग करते हैं उसमें जी कारक सभी में होती है, सामान्य, ये जो है क्या होता है, सभी लोगों में, सभी लोगों में होती है, ठीक है। कहने का तात्पर्य जिसमें स्पीयरमैन ने कहा कि अगर कोई भी कार्य करेंगे तो सारा में जी आवश्यक है, जी फैक्टर आवश्यक है, जो इनेट होता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि सभी मानसिक प्रक्रियाओं में, सभी मानसिक प्रक्रियाओं में उपयोग होता है। अब इस है जो हमारा, ध्यान दीजिएगा अंतर, ये हमारा इनेट हुआ, जन्मजात हुआ, लेकिन स्पीयरमैन ने कहा कि ये इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक क्वालिटी, स्पेसिफिक क्वालिटीज, ये विशिष्ट गुणों का समूह होता है, क्या होता है, विशिष्ट गुणों का समूह होता है। कहने का मतलब क्या है कि यहां पे स्पेसिफिक होता है वही कोई एक गुण के कारण, हर एक व्यक्ति, मैंने कहा कि जी तो सब में समान होता है, लेकिन कोई एक ऐसा करेक्टरिस्टिक्स होता है, विशेषता होता है जो उसको भीड़ से अलग करता है, तो जो अलग करता है मतलब कि ही या सी लर्न थ्रू इन्वायरमेंट, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एस जो हमारा कारक है ये क्या है, एक्वायर्ड किया जाता है, एक्वायर्ड है ये, जो प्राप्त किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, प्राप्त किया जाता है, बेसिक डिफरेंस यही है, ये जो है से प्राप्त किया जाता है, या कह सकते हैं हिंदी में इसको अर्जित, अर्जित किया जाता है इसको, लेकिन ये जन्मजात होता है। लेकिन यहां पे सोचने वाली बात है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि मान के चलिए आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, या कह सकते हैं हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटीज, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, ठीक है, और इसी में हमने बात करी कि दूसरी एक बात करना है वर्ड फ्लुएंसी, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आंकिक योग्यता या गणितीय योग्यता और शब्द प्रवाह दोनों में क्या होगा, दोनों में जी जरूरी है, जी फैक्टर, ठीक है, दोनों में जी जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये आंकिक योग्यता में भी, जो आप मैथमेटिक्स में भी सवाल आप बनाते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अर्थमेटिक के सवाल क्या रहता है, शब्दों में लिखा रहता है, उसको हमको पढ़ के फिर बनाना पड़ता है। तो हमने कहा कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन, चाहे वो आंकिक योग्यता हो चाहे शब्द की प्रवाहशीलता हो, दोनों में जी जरूरी है, लेकिन अभी जरूरी तो है, लेकिन अब कोई विशेष व्यक्ति में ज्यादा ये कोई कारक हो गया तो वो विशिष्ट हो गया, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, नोट, कि अगर एक व्यक्ति में दोनों की योग्यता होना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कंक्लूजन, सारांश, मैंने कहा कि जी और एस दोनों कारक का अपना महत्व है, कोई भी सक्सेस पाने के लिए
या निपुणता हासिल करने के लिए जी आवश्यक है उतना ही एस भी है, एस जितना आवश्यक है उतना एस जी भी है। क्योंकि हमने कहा कि स्पीयरमैन ने कहा कि जी जो है से समान मानसिक योग्यता, कहा इसने, ध्यान दीजिएगा, समान मानसिक योग्यता कहा है जी को। क्यों? क्योंकि मानसिक प्रक्रिया जो करने जो हम लोग करते हैं, जैसे आंकिक योग्यता शब्द परिशीलता करते हैं, उसमें हमारा जी आवश्यक होता है, जरूरी होता है। तो सारांश यह हुआ कि दोनों का सहयोग होना जरूरी है, जी और एस दोनों का। तो हम लोगों ने देख लिया यूनिफैक्टर, ये टू फैक्टर। धन्यवाद।